अपनी बाइक का है ना इंजन ऑफ मत करना। मुझे नहीं लगता था कि हो पाएगा। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अभी हमें किश्तवाड़ में कल रहे आज के लिए किलर। रात को कल ज्यादा बारिश थी, प्रो हटाना पड़ा था। अभी अपन ने गोप्रो भी रिफिक्स कर दिया है। शूज में ना भाई वाटरप्रूफ कहते हैं बट थे नहीं, या पता नहीं इतना ज्यादा पानी था, जूते अंदर से गीले हो चुके थे अच्छे लेवल पे। क्या की वे क्या किया अपन ने जूते में? पेपर भर दो, रात भर में पूरा मॉइस्चराइजर निकल जाएगा, इसे पहन पाओगे भाई। रात को है ना ढंग से, मतलब जूते गीले हो चुके थे, बट स्टिल अभी ठीक है। दिखाता हूँ आपको कैसे जूतों में ना ठूस ठूस के पेपर भरे। देसी जुगाड़ कुछ भी लगे तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता था कि हो पाएगा। सो फाइनली अभी निकलने का टाइम हो गया है ऐसे किश्तवाड़ से। अब निकल रहे हैं अपन किलर। पैकिंग वैकिंग डन है, गियर अप हो चुके हैं। अपन रुके थे K17 किश्तवाड़ से। जैसे ही आप एंटर होंगे लास्ट में एग्जिट पे मिलेगा। पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। मैं रात को अपनी बाइक में पता है चाबी लगी हुई भूल गया। खाना अमेजिंग था, आलू के पराठे बहुत हैवी थे। थैंक यू सर। ये है मैनेजर, ये ओनर है सनी भाई, नाम है शायद आपका काफी अच्छा होटल था। यहाँ के जो ओनर है लिटरली बहुत ही अमेजिंग बंदे थे। चाय पिलाई लास्ट में, कहते सर एक चाय हमारे साथ पी के जाओ। मैंने कहा चलो, आप इतने प्यार से बोल रहे तो चलो, हम तो वैसे भी चाय लवर हैं। चैन लूप वगैरह मैंने सुबह कर लिया था। यहाँ से होता है अपना किश्तवाड़ एंड डुलहेन 12-13 किलोमीटर। सोचा कुछ नज़ारे आपको भी दिखा दूँ। हम कल क्रॉस हुए थे यहाँ से, एक भैया थे जिन्होंने हमारी एंट्री करी थी तो पहचान गए। कहते कल आए थे अब वही लोग हो ना, राजस्थान वाले। मैं हाँ जी सर। तो कहते जाओ जाओ आप लोग जाओ। नीचे में एक डैम है जिसको अपन यहाँ डल डैम बोला। अभी मैंने सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। रोड्स आर वेरी ब्यूटीफुल और जो नेचर बोल रहा है ना कि भाई आ डूब जा मेरे अंदर, सीरियसली मस्त। इधर में चल रहा है कुछ काम, कोड़ 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 कोड़। ओ ब्रिज रेडी हो रहा है भाई यहाँ पर। छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, अभी जो भी लोग पहाड़ों पे जाने का सोच रहे हैं कहीं भी A to Z वेयर एवर यू वॉन्ट टू गो इन अ माउंटेन लाइक उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, प्लीज़ अभी के लिए मत जाओ। 1-1.5 महीने स्किप कर दो, बिकॉज यहाँ पर ना अगर कोविड को लेके बात करी जाए तो बहुत रश चल रहा है। एंड देन सेकेंड थिंग, अभी इतनी तेज़ बारिश चल रही है, मतलब अभी कल भी हमारी किस्मत अच्छी मानो या कुछ भी मानो नहीं तो हम फंस जाते हैं वहाँ पर। हम वहाँ से निकले हैं पटनी टॉप वाले रोड से, तो देन आफ्टर हमारे निकलने के बाद ही पता लगा, मैंने लोकल्स ने बताया कि अभी 15 किलोमीटर पहले लैंडस्लाइड हो गया है, 3 दिन के लिए रास्ता ब्लॉक। किस्मत अच्छी मानो चाहे कुछ भी मानो कि हम निकल गए बस। आज हमें बारिश नहीं मिली, नहीं तो हमें सबने कल मना कर दिया था कि उस रोड पर मत जाना, वहाँ वैसे ही बहुत खतरनाक है। लोकल्स ने हमें मना किया तो हम भी बस यही सोच के बैठे थे भगवान बारिश मत करना, निकल जाएं। और टच वुड आज बारिश नहीं हुई, हम निकल रहे हैं। बट आज का लोकल वेदर में अभी मैंने चेक किया था तो 3 दिन तक की बारिश डेली बता रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। बट अभी किस्मत अच्छी है ऊपर वाले का साथ। चेक पोस्ट पे भी रोक लिया था, नॉर्मल पूछताछ चल कर रहे थे, मतलब लाइक इंक्वायरी वेयर कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या पर्पस है। तो बोल दिया भाई घूमने आए हैं, राजस्थान से हैं और आगे पता है कैसा रोड है मंसर, पता है आगे के लिए प्रिपेयर्ड हो। हाँ जी सर, ठीक चले जाओ। मैं ठीक है सर। तो भाई मुझे ये नहीं पता कि ये हमारी के ले रहे हैं, ये क्या है आई डोंट नो।
जितना सुनने में आ रहा है ना इस रोड के मामले में, थोड़ा डर भी लग रहा है, डर ज़्यादा है, एक्साइटमेंट उससे भी ज़्यादा है कि नहीं अब तो इस रोड पे जाना ही है। मैं सेक्सी वाटरफॉल लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है दूर से, बहुत सुंदर। हिमालयन लिटरली अभी तक तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बाकी मैं टोटल रिव्यू आफ्टर ये ट्रिप के बाद है ना पूरा रिव्यू दूंगा। मड में ना ऐसे से करती है, ऐसे ऐसी लोकेशन से किसका जाने का मन करेगा, करेगा क्या किसी का मन? मेरे हिसाब से मेरा तो नहीं करता भाई, आपका बता दी, कमेंट करके ज़रूर बताना मन करता है कि नहीं करता इस जगह को छोड़ने का। तो भाई आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सुमित भैया से मेरी बात हुई थी, उन्होंने 2016 में सच पास मारा था, सच पास किया था, उन्होंने एक चीज़ बताई कि अपनी बाइक का है ना इंजन ऑफ मत करना। आई वॉज लाइक क्यों भाई? तो ही टोल्ड मी कि उधर है ना स्नो लेपर्ड होता है, स्नो लेपर्ड इज़ लाइक कि आपको है ना पता नहीं लगेगा, वो आपके पीछे पीछे चलता रहेगा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर जब तक आप चल रहे हो, ठीक है, तो वो आपके पीछे रहेगा। और वेन एवर यू आर वीक, लाइक यू ब्रेक फॉर अ वाटर, यू ब्रेक फॉर अ टी एंड वट एवर, मतलब आपने छोटा सा भी ब्रेक लिया ना, वो चेक कर लेता है कि आप वीक हो इस वक्त, तुरंत झपट्टा मारता है वो। शिकार है ना वो खाली नहीं जाता। गाइज लुक एट दिस रोड यार, थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच आ गया है। अभी अपन ने लगा दिया 360 टॉप बॉक्स पे, अब आपको एंजॉय करवाते हैं 360 व्यू। तो भाई रोड्स हो चुके हैं नैरो, बहुत ज़्यादा नैरो, मतलब एक सिंगल गाड़ी की ही जगह है बस, और बगल में ही चल रही है अपने नदी। भाई मज़ा तो लिटरली अब आने लगा यार,
सोचो अभी से ही है आगे क्या डेडलिफ्ट थ्रो होने वाला है. कैन यू इमेजिन गाइस. यार मुझे ना पीछे वाले पेनियर पे बहुत ज़्यादा लग रहा था डर, तो मैंने इसको यहाँ फिक्स कर दिया है GoPro 360 को. तो अब जो व्यूज़ हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे, वो अब यहाँ से मिलने वाले हैं तुम्हें. बहुत अमेजिंग है यार, और व्यू देखो. पीछे में एक चेक पॉइंट था, सॉरी मुझे वो क्लिप काटनी पड़ेगी. मैं नहीं चाहता कि अपने इंडिया का कोई मैं लूज पॉइंट छोड़ूं एज अ सिक्योरिटी पर्पस में. तो लिया था छोटा सा बेग करथाई पे, करवाए फोटोग्राफ. अगर इफ या पोस्ट आपको कुछ भी देखने हैं तो मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, वहाँ आपको सब मिल जाएगा. अभी थोड़ा इसको भी बैटरी चार्जिंग पे लगा दिया है. अपने साथ रोला बहुत है यार चार्जिंग का राइड पे, यार सब काम करने पड़ते हैं. बंदे सीरियसली यार पहाड़ी बंदे ना बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल. गुलाबगढ़ नहीं हो सकता यार, गुलाबगढ़ अभी 6 किलोमीटर यहाँ से. मैम किलर ऊपर वाला, थैंक यू. पर और कंफर्म कर लेते हैं यहाँ पर, ये नीचे क्या गुलाबगढ़ सर. किलार ऐसे कीजिए भाई सर, आगे 1 किलोमीटर आएगा वहाँ से ऐसे टर्न करके ऐसे जाना आपने ऊपर. ठीक है सर, मोड़ के राइट टर्न करना है. ठीक है, पक्की रोड पे नहीं जाना, पक्की रोड पे चलना है. ठीक है सर, थैंक यू. राजस्थान सर, राजस्थान भरतपुर. हाँ जी सर, कैसे आना हुआ, और कौन है और जी? ये साथ में, ये महाराष्ट्र से है. हाँ जी, वापस कब आओगे? वापस सर हम वहीं से हिमाचल निकल जाएंगे. हाँ जी, ये आपके छोटे भाई का यूट्यूब पर चैनल है, सब्सक्राइब करना. ओके, ओके, आप जरूर वहीं पर आओगे. ठीक है भैया, थैंक यू. थैंक यू सर. स्टिकर दे दिया है मैंने अपना YouTube चैनल पे, मैंने सब्सक्राइब कर लेना, आप वहीं पर ही मिलोगे वीडियो पर. क्या नज़ारे, शायद अपना भैया घर होता. पहाड़ों के साथ डेली चाय मारते फिर अपन. चाय से याद आया, कहीं आगे दुकान देख के अब चाय मारेंगे. बस अब नहीं रहा जा रहा, चाय ही पीनी है अब भाई. वाटरफॉल किस किस को दिख रहा है वहाँ पर, इतना प्यारा लग रहा है. और मतलब अलग हटके दिख रहा है यार उसमें, मतलब लग रहा बर्फ गिर रही हो वहां से. लाइक यार सीरियसली अमेजिंग, ना सफेद पानी है यार. मतलब सीरियसली आपको आपको क्या लग रहा है, बर्फ गिर रही है कि पानी गिर रहा है? तो भाई गुलाबगढ़ के बाद यह है 10 किलोमीटर के बाद में सोहल. तो बच्चों के लिए यार कुछ छोटे छोटे गिफ्ट ले लिए हैं, चॉकलेट्स एंड टॉफीज, बच्चों को बांटते हुए चलेंगे. चले तो भाई वो रोड दिख रही है अपने को, वहां से जाना है. वहां तो निकल रही है सीरियसली, बट मजा भी आने वाला है. जो होगा रब दे आसरे, पापा जी मेहर करो. Thank you.
भाई सीरियसली बहुत मजा आ रहा है, फुल एडवेंचर रोड है यार, मतलब अमेजिंग। बच गए। भाई इधर बाइक का कोई भी बैलेंस नहीं है कैसा भी। हे चढ़ जा। भाई इधर में ओनली फर्स्ट गियर, नो सेकंड गियर। भाई बीआरओ की बात करी जाए ना, इतना ऊपर रोड देना, इट्स अमेजिंग। मतलब बच्चों को खुश हो जाते हैं ना, अच्छा लगता है। चढ़ जा। बाइक बहुत ज्यादा इधर स्किट मार रही है और बगल से पहाड़ी है। भाई मैं तो आ रहा हूँ अपनी जगह पर, इधर ही इधर गिरूंगा ना, हाथ पैर तोड़वा लूंगा, नीचे नहीं जाना भाई।